जम्मू में अब श्रद्धालु भगवान तिरुपति के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माजीन में निर्मित इस मंदिर का आज उद्घाटन किया। उत्तर भारत में भगवान तिरुपति का यह पहला मंदिर है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। बता दें कि वैदिक मंत्रों के बीच मंदिर में मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गईं। जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित यह मंदिर पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्त अब जम्मू में तिरुपति बालाजी के दर्शन भी कर सकेंगे। तिरुपति बालाजी का पवित्र देवस्थान का जम्मू में जो निर्माण किया गया है, ये बहुत ही भव्य निर्माण है। तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ दुनिया भर से लोग दक्षिण भारत में जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार का पवित्र देवस्थान के निर्माण होने से दुनिया भर के लोग यहां भी आएंगे। तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था श्रद्धा दुनिया भर में श्रद्धालुओं में है, और यहां करोड़ों लोग हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दरबार, श्री अमरनाथ जी के दरबार, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार आते हैं, और वहीं यहां श्री तिरुपति बालाजी की स्थापना होने से ये सभी जो श्रद्धालु हैं यहां इस पवित्र देव स्थल में आएंगे। हम हृदय से श्री बालाजी ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का यहां निर्माण करवाया है। हम हृदय से बालाजी ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं तैयार की गई हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 8 फुट ऊंची भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। ये रिलीजियस टूरिज्म को एक बेहतरीन बढ़ावा है, और मुझे लगता है डुग्गर धरती जम्मू को एक बेहतरीन तोहफा है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा का मंदिर जम्मू में निर्माण होना, और वार फुटिंग पर जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोऑपरेशन जो है पूरी इनकी संस्थाओं को देकर जिस तरीके से निर्माण हुआ है, ये एक बेहतरीन तोहफे के साथ साथ यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को बहुत जल्दी से शूटअप मिलेगा। और यकीनन दक्षिण भारत से लोग यहाँ वैष्णो माता अमरनाथ के लिए आते थे, अब वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा के भी दर्शन यहाँ किया करेंगे। और हम लोग जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन करने के लिए तिरुपति लंबे सफर करके जाया करते थे, अब हमें अपने ही यहाँ अपनी जम्मू की धरती के ऊपर जो है वो स्थान मिला है। ये बहुत बड़ा एक जम्मू के लिए तोहफा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर रिलीजियस टूरिज्म को और बढ़ावा देते हुए हम तो जम्मू वाले चाहेंगे कि अक्षरधाम के पैटर्न के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर एक बड़ा मंदिर जो अक्षरधाम का भी जम्मू में बनना चाहिए, ताकि बेहतरीन जो रिलीजियस लूप जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में भक्तों के लिए पूजा पाठ, जरूरी सुविधाएं और रहने ठहरने के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार किया गया है। इसमें पार्किंग की जगह एक ध्यान केंद्र, वेदों के बारे में शिक्षा के लिए वेद पाठशाला भी शामिल है।